ये काम मैं तकरीबन आज 10 साल से कर रहा हूँ, तो इसमें अभी जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेट इतने हाई हो गए हैं सीएनजी के, इससे हम लोगों की सवारियाँ कम हो गई है, बैठती नहीं है सवारियाँ, और रेट महंगे होने की वजह से पैसेंजर कम होते चले जा रहे हैं हम लोगों के। रेट बढ़ गया है तो हम उनसे पैसे मांगते हैं कि हाँ दो पैसे बढ़ा के दे दीजिए, तो वो देते नहीं, मीटर के हिसाब से ही पैसे देते हैं वो। पहले अगर मान लिया 150 रुपये का गैस लेते थे तो हम 600-700 रुपये का काम कर लेते थे, ठीक है। आज हम वही 250 रुपये का गैस लेते हैं तो वही 600-700 रुपये का काम कर पाते हैं। सीएनजी जब आई थी तो इससे लगा था कि कुछ सस्ता है, जब आई थी तब 9 रुपये किलो होती थी और पानी की बोतल होती थी 10 रुपये की, तो जब लगता था कि पानी से भी सस्ती है सीएनजी तो मुझे अच्छा लगा था। ये 70 रुपये के आसपास पहुंची, बजट से बाहर हो गया जी। 400 रुपये तो दिहाड़ी देते हैं जी गाड़ी की, 250 से भी ऊपर की सीएनजी आ जाती है। 42 थी तब भी वही कमाई थी, कमाई अब भी है। कस्टमर कहता है देखो जी रेट बढ़ा नहीं, हम क्यों दें बढ़ा के। मैं 2017 से ऑल ओवर में गाड़ी चला रहा था, लेकिन आज की कंडीशन जो है, आज का टाइम ऐसा है कि मतलब 2.25 लाख रुपये कर्जे में आ गया हूँ मैं। इनका 30-35% इनका होता है, हम लोगों का डीजल सीएनजी सब कुछ उसमें होता है, हमारा 60% होता है, 60-65%। अब 65% में सीएनजी हो गई, ठीक है, उसमें कम से कम 30% की सीएनजी हो गई। लोग एसी मांगते हैं और एसी पे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा है, और बचता हमें कुछ लोग उसमें है नहीं। तो 30% पे हम लोग काम कर रहे हैं, 30% पे ये लोग अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, हम सड़क पे कर रहे हैं उस काम को। मैंने तो सोच लिया है, मेरा अभी इसके 3 महीने बचे हुए गाड़ी के, 3 महीने बाद मैंने पराठे का ठेला लगाना है अपना।